लक्ष्य, सांस मेरा अभिमान जिससे दुश्मन भी कांपे, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इंजन ऑयल से बिना पूछे मौत उसे नहीं छू सकती। इंजन ऑयल के लिए मौत को इंतजार करना होगा। अरे सुन रही केरलन, नागालैंड की लड़कियों के माथे पर लाल बिंदिया बहुत प्यारी लगती है। तो वहीं बस जाओ ना किसी के होकर, दिन भर उसके बालों की चोटियां बनाना और फिर खोलते रहना। कर्नल एनजे जब भी तुम्हारे बालों तक जाता है, तुम्हारे हाथों में या तो साबुन लगा रहता है या हाथ बेसन में सने रहते हैं। हाँ, तुम्हारा शिवाजी तो प्रेशर कुकर से पैदा हुआ है ना। पहाड़न ने तो जादू कर दिया है, वहीं रहना, आधे कपड़े पहनना और भाला लेके उनकी नगाड़े की धुन पे नाचना। Why should I? जब मेरी आत्मा इस मलयाली नारियल के अंदर बंद है, तो ये राक्षस एक और परी कहां से लाएगा? मैं मलयाली और तुम लंदन के, हाँ? नहीं, मी मराठा, एन जे नायर, छत्रपति शिवाजी महाराज का सैनिक, जिसे मौत कभी नहीं छूती। एनजे, क्या सचमुच छोड़ के चले जाओगे? ए मेरी पोटी पेंडने, उस पहाड़न के लिए नहीं, देश के लिए। और सुन, इस टेबल की दराज में सारे पेपर्स रखे हैं, मेरा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, घर के पेपर्स, मेरा जॉइंट अकाउंट और लॉकर की चाबी भी। एनजे अशुभ बातें मत करो, क्या यही स्टाइल है गुड बाय कहने का? तुम्हारा एनजे किसी ऑफिस में बैठकर चाय पीने नहीं जा रहा। मंजू, तुम एक मराठा ऑफिसर की वाइफ हो, बी प्रिपेयर्ड। एनजे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और शिवाजी कहाँ जाएंगे? वतन के शहीदों को देश कभी नहीं भूलता। You will be a proud citizen of India. तुम एक शहीद की बीवी कहलाओगे। लेकिन ये सुरेश क्यों नहीं जा सकता? हेलो मंजू, सुरेश हियर। मैंने इसलिए फोन किया था कि जहां आज तुम जा रही हो वहां हिम्मत से काम लेना, अपने जज्बात पे काबू रखना। हाँ सुरेश, मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। मंजू मराठा कर्तव्य मान और साहस का दास है, और एनजे में सब कुछ भरपूर था। अब तुम भी एक मराठा हो, मलयाली मराठा, एनजे की तरह। वेलकम मंजू। दरजे पे जब तुम खड़ी होगी जानम, नजर हर किसी की पड़ी होगी जानम, हवा ने तुम्हें गुनगुनाया भी होगा, बदन की तरफ चांद आया भी होगा, जो ली होगी करवट बजे वो
पशेमा पशेमा गुमसुम अकेला पशेमा पशेमा। मम्मी, क्या ये असल के शिवाजी थे? नहीं, ये शिवाजी के सैनिक थे। क्या ये बहुत बहादुर थे? हाँ। क्या ये मेरे स्कूल के पास वाले जंगल के भूत से लड़ सकते थे? हाँ, ये जंगल के भूत से भी लड़ सकते थे। सर, यदि ऐसी हालत रही तो हमारे आंदोलन तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तानियों से हम कैसे लड़ेंगे? ऊपर से ये बांग्लादेश पैदा हो गया है, फॉरेन फंड तो बिल्कुल बंद हो गए। अपनी कमजोरी को बहाने का जैकेट मत पहनाओ। नहीं सर, मैं चुप करो। इस चिटागोंग हिल ट्रैक से बहकर आने वाली नदी में वो बांग्लादेशी स्मगलिंग करते हैं। हमारी आंखों के सामने वो लोग पैसा कमाते हैं और तुम यहां अपनी बंदूक को साफ करते रहते हो। जाओ नाव में, घुस घुस कर एक एक को मारो। अबे चल। आज जुबई गया कुछ बंगाली को लाने के लिए, जल्दी आता होगा। अबे चुप। ओ बाबा, उठ उठ साला उठ, सीधा खड़ा रहे। सर, इन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा पैसा है। कहते हैं कि 10,000 टका नहीं दे सकते। क्यों बे बांग्लादेशी मुसलमान? हिंदुस्तान में रहकर स्मगलिंग करता है ना? तुझे खतरों से खेलने का शौक है ना? इधर आ साला। चाला चाली। कौन इसे? कौन? ₹10,000 ज्यादा लगता था इसको। अब देख, बड़ा बड़ा सड़ रहा है। 5 दिन हो गए। बदबू मारता है ना? इसके घरवाली को पता भी नहीं होगा कि इसका गला मैंने काट दिया। वो तो अपने बच्चे को बोलती होगी, बाबा आएंगे, चावल लाएंगे, माछ खाएंगे। नाना मोते चाइना, हमने मोते चाइना, मुझे मारना नहीं, बाड़ी थे छोटे छोटे बच्चा। चुप चुप। इनका इसी तरह से डरना हमें आजादी दिलवाएगा। सुन बे बंगाली, 10,000 टका और कप्ताई लेक में पड़ा हमारा सारा सामान 4 दिन में यहाँ पहुँचना चाहिए। सिर्फ 4 दिन। आप जैसे कहते हैं वो होगा। और सुन, मुंह बंद रखना, समझना जीभ पे बारूद पड़ी है, जरा भी हिली नहीं कि जा। Thank you.
एनजे नायर सुरेश नायर वीटले लहरो मेंगना ना अबे मलयाली हिंदी में बात कर अरे मैं मलयाली और तू कौन मी मराठा मलयाली मराठा तो मलयाली मराठे तेरी छुट्टी कैसी थी एज यूजुअल यार लेकिन माँ बहुत चिंता करती बोलती है कि गवर्नमेंट में इतने सारे जॉब्स हैं तो फिर फौज क्यों अब माँ को क्या समझाऊं कि फौजी अपनी मंथली सैलरी के लिए गोली नहीं चलाता देश को बचाने के लिए सीने में गोली खाता है मैं तेरे को बचपन से देख रहा हूँ जैसे तेरे तेवर एनडीए में थे ना आज तक वैसे ही है सो वॉट एनजे किसी बैंक का सिपाही थोड़ना है जिसकी बंदूक उसके कंधे पर टंगी रहे और कंधे पर टंगे टंगे मर जाए एनजे नायर की बंदूक को बिना बोले सोने की आदत नहीं लेकिन एनजे तू मेरे बचपन का यार है यार और अब तू मिजोरम में है यहाँ मौत बे आवाज आती है कभी उग्रवादी अपनी खुकरी से गर्दन रेंद देना ये खुद गर्दन को नहीं पता चलता एनजे नायर से बिना पूछे मौत कभी नहीं आएगी मौत को डर नहीं है क्या पकड़ कर जेब में बंद कर दूंगा That's the spirit. राम साहब, दिलन साहब ने नायर साहब को बुलाया कौन से नायर को एनजे साहब आते हैं राम साहब तेरा सरदार मराठा बुला रहा है तेरे को पंजाबी मराठा मैं मिल के आता हूँ उनसे टेक केयर सी यू देन हां सो एनजे हाउ वाज योर लीव द लीव वाज ग्रेट सर सर अम्मा ने इतना खाना खिलाया कि अब यहाँ पर जितना मर्जी खा लूं पेट ही नहीं भरता है सर यहाँ भी तुम्हारे लिए एक शिकार तैयार है रियली सर शिकार करो और पेट भर लो वो तुम्हारे रिवर पेट्रोल का प्रपोजल था ना तो मंजूर हो गया रियली मैंने तुम्हारे सीईओ से भी बात कर ली है दैट्स ग्रेट न्यूज सर तेरे पीछे से यहाँ के मिजो हॉस्टाइल्स ने बंगाली बोटमैन को बहुत तंग किया उन्हें धमकाकर टैक्स वसूल करने लग गए ओह दैट्स इंटरेस्टिंग तो क्या कहते हो भूख लगी है तो नाश्ता लगवा दें श्योर सर सर आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए एनजे यहाँ के बंगाली बोटमैन का कहना है कि उन्हें मिजो हॉस्टाइल्स के हाइडआउट्स के बारे में मालूम है मेरा ख्याल है कि तुम उनके साथ ही किसी बोट पे निकल जाओ मगर चौकस रहना साथ में ग्राउंड पेट्रोल भी रखना सर ओके आई विश यू गुड लक एंड गुड हंटिंग थैंक यू सर डोंट वरी सर इट विल बी डन कब से स्मगलिंग करता है तू नहीं साहब हम इस स्मगलिंग नहीं करता साहब गरीब आदमी है बोट चलाता है साहब तो इंडिया में क्या करता है स्टडी अप राम राम साहब राम राम विश्राम सर ये बंगाली बोटमैन है क्यों रे बंगाली क्या नाम है तेरा सुमति सर क्या सुमति सुमति सुबेदार साहब आप इन लोगों पर विश्वास करते हैं ये बोटमैन हैं इनका क्या भरोसा इन्हें सिर्फ नदी के दोनों किनारों से मतलब होता है कल उस पार गए थे आज इस पार आए हैं कहीं शिकारी का शिकार करने का इरादा तो नहीं है तेरा नहीं सर ये ठीक आदमी है सर एक दूसरे सोर्स से भी पता चला है सर कि 10 तारीख के आसपास हॉस्टाइल इनसे टैक्स वसूल करने आएंगे सर क्यों रे बंगाली खबर पक्की है तेरी हाँ सर चार दिन के अंदर 10,000 टका चेचे क्या 10,000 टका ₹10,000 सर ओ कहाँ मिलने की बात हुई है सर डेरा बस्ती के पास नदी के किनारे सब अल्लाह का कसम साहब खबर एकदम पक्का है सब हमको बचा लो सब वो लोग मार देगा हमको सब सब बचा लो ये कपड़े बहुत अच्छे हैं आप लोगों के ऐसे और कपड़े हैं हाँ सर कितने 10-12 10 बोरा कपड़े का क्या करता है ना ना सर 10-12 कपूर है 10-12 कपड़े सर अच्छा आइए सुबेदार साहब सुबेदार साहब ये हमारे ऑपरेशनल एरिया का मैप है यस सर ये हमारी करंट पोजीशन ये रिवर पक्वा और ये डेरा बस्ती यस सर और ये जंगल सुबेदार साहब मैं बब्बन मधुकर और लक्ष्मण नदी के रास्ते इन बंगाली बोटमैन के साथ इनकी बोट में आएंगे ओके आप बाकी के लोगों को लेकर नदी के किनारे किनारे जमीनी रास्ते से हमें फॉलो कीजिए यस सर और डेरा बस्ती में यहां पर मिलेंगे ओके सर नो मूव बिफोर 1700 आवर्स यहां से निकलने का समय 1700 बजे कोई शक नो नो सर Jai Jai Jai
क्यों रे बंगाली, यहाँ इतने दिन हो गए गुमशुदा गाय की तरह घूमते हुए, यहाँ मछली मिलेगी भी या नहीं? साहेब मिलेगी मिलेगी, मोची पकड़ते पकड़ते हमारा बोट घिस गया। साहब ये तो मुट्ठी भर हॉस्टाइल्स हैं, क्यों ना इन्हें एक झटके में उड़ा दें? नहीं मधुकर, ये जंगली घास है, जितना काटोगे उतना ही बढ़ेगी। इन लोगों की गरीबी और बेरोजगारी ने इनके हाथों में बंदूकें पकड़ाई हैं, भड़काए हुए हैं, नादान हैं। दरअसल असली दुश्मन तो कोई और ही हैं, जो हमारे देश से नफरत करते हैं। साहेब लगता है हम उनके इलाके में आ गए, होशियार जरा। मधुकर कॉन्टैक्ट ग्राउंड पेट्रोल। सर गोल्फन मैसेज ओवर। गोल्फन ओके ओवर। गोल्फन रिपोर्ट लोकेशन ओवर। गोल्फन देरा बस्ती के 4 किलोमीटर पूरब में ओवर। गोल्फन नेक्स्ट कॉल 0800 hours, आई रिपीट 0800 hours, February 13th ओवर। गोल्फन विल गो आउट। क्यों रे बंगाली, अभी और कितनी देर लगेगी? साहेब लगता है हम उनके इलाके में आ गए, हमी पूर्वी तौर देखी, अपनी पश्चिमी तौर देखो। कम ऑन बॉयज अलर्ट। मधुकर yes, sir. ये जगह कुछ काम की लगती है। हाँ सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। साहब यही पश्चिमी बैंक में डिफेंस लगा लेंगे, ये जगह ठीक लगती है। अच्छा तो गाय घास पहचानने लगी है। सर आप कहें तो मैं और मधुकर जरा हल्का हुआ है। हाँ सर क्यों अभी से लग गई? अभी तो दुश्मन को आना बाकी है। ओके ओके गाइस डू इट क्विक, आप लोग अपना पेट संभालिए नहीं तो बाद में आपसे बंदूक नहीं संभलेगी। जल्दी लौटो, मेक इट फास्ट। साहब हम लोग और कब तक इंतजार करेंगे, शाम होने को आई है और टारगेट का भी कुछ पता नहीं। लेकिन ये जगह मुझे ठीक लगती है बब्बन, उन लोगों की मौत खुद उन्हें खींचकर यहां पर लेकर आएगी। चल भाग। नाव लेके इधर आ। ए सब लोग अलर्ट, जल्दी कर, लगता है वो लोग आ गए हैं। ए बौखला मत, उन्हें शक हो जाएगा। आराम से हाथ उठाकर बता कि आ रहे हैं। आते हैं, हम लोग आ रहे हैं। बब्बन यस सर, बिना किसी गड़बड़ के टारगेट को यहां तक लेकर आ, रास्ते में कोई रिस्क मत लेना। यस सर। जरा सी हवा बदलते देख ट्रिगर दबा देना, ठीक है? ओके सर। मधुकर को साथ लेकर चल। ओके सर। निकलो। लक्ष्मण पोजीशन पे आ। यस सर। ठगा लाया? उस पार है साहब। क्यों? उस पार क्यों? इस पार क्यों नहीं? साहब सारा सामान उतार दिया साहब, और एक दो दिन रुकने का इरादा था ना साहब, इसीलिए आपका पैसा और कप्तैली का सारा सामान उस पार है साहब। उस पार और कौन है? साहब दो भाई हैं, एक मुझसे छोटा एक बड़ा है। फौज लेकर आया है? नहीं साहब। सामान बहुत ज्यादा था साहब और आदमी भी नहीं थे। झूठ तो नहीं बोल रहा तू? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये कौन है? साहब ये भाई है, ये भी अंदर का मल बाहर करते हैं साहब। चल चल ज्यादा बातें मत बना, चल ना चला चल।
इन लोगों का सर निशाने पे है। अगर आप कहो तो भेजा उड़ा दूं। अबे तू चुप कर, ये मेरा शिकार है, तो बस मुझे कवर करना। ओके ओके सर। अरे बंगाली, कहाँ है तेरा सारा सामान? हाँ जी, यही तो है। कौन है ये? छिपाई, 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 छिपाई। सर, सर आपकी सांस जा रही है सर। डोंट वरी मधुकर, गेट होल्ड ऑफ हिम। यस सर। गेट हिम अशोर। हाँ सर, मेजर एनजे नायर सीरियसली इंजर्ड। वी आर इवैक्यूएटिंग हिम। हॉस्टल सेरा अल्फा इंडिया होटल अल्फा टैंगो। देख अफूस, देख हमारी सांस को बचा दे। कौन पहुंच? अरेंज हेल्प इमीडिएटली। चलो साहब, आप चिंता ना करें, आप मेरे राम हो, आपको कुछ नहीं होगा, आपका लक्ष्मण अभी जिंदा है। एनजे अब कैसा है अम्मा? ठीक है, मगर मेरा एनजे अब फौज में नहीं जाएगा। तुझे पता है ना, बचपन से मैं उसे रोकती थी, मगर वो नहीं रुका। क्या मिला उसे? गोली खाकर आ गया। अम्मा, सरकार ने उसे कीर्ति चक्र दिया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ। पेपर में लिखा है। क्या गर्व की बात है, सारे देश को बचाने के लिए क्या मेरा एक एनजे ही रह गया है? और कोई नहीं है सरस्वती, तुम्हारे एनजे जैसा कोई नहीं हो सकता। अरे कितने लोगों को कीर्ति चक्र मिला? कीर्ति चक्र और सुदर्शन चक्र, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। तुझे मालूम है ना सुरेश, मेरा बच्चा कितना हंसता और गाता था, कितना चुप हो गया है वो। अरे अम्मा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एनजे, एनजे तू कैसे आ गया बेटा? अरे अम्मा, अपने पैरों पर चलकर आया हूँ, और कैसे आया हूँ। बैठो बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जिस आदमी की अम्मा इतना रोती हो, वो कभी शांति से सो सकता है? पेपर में यही लिखा है, देख लो। अच्छा सुरेश बता भाई, उन हॉस्टाइल्स की कोई और न्यूज? अबे इतनी हैरानी से क्या देख रहा है, जो पूछ रहा हूँ बता दे, कोई और न्यूज मिली क्या हॉस्टाइल्स की? भाई साहब, वो लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें रोक कर आए हम, बोलकर आए कि आप आएंगे और उन्हें मारेंगे। क्यों अम्मा, अब क्यों रोती रहती हो? अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ। क्योंकि तुझे कीर्ति चक्र मिला है ना, इसलिए रोती रहती है। उड़ा लो मजाक मेरा, उड़ा लो, लेकिन देखना, एक दिन इसको ऐसे पिंजरे में बंद करूंगी, इसके लिए एक परी ले आऊंगी, वो इसके पर काट के इसका उड़ना ही बंद कर देगी। ये क्या कह रही हो अम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे सखत नारियल, अम्मा तेरी शादी की बात कर रही है।
अबे क्या बात कर रहा है तू? नहीं 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 अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। ना 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 अम्मा ना। हाँ। इतना है तो फिर नमस्कार। क्या बोली? नमस्कार? ठीक से सुनाई भी नहीं दिया, लगता है मैं इसे अच्छा नहीं लगा। अब क्या बात करूंगा इससे, सारा मूड ही ऑफ कर दिया। अरे जवाब ही नहीं दिया, लगता है मैंने अच्छी नहीं लगी। बोला था अम्मा से कि दूसरी साड़ी पहनूंगी, मानती ही नहीं। सिर्फ आंखें ही देख पाया हूं, आंखें तो बहुत सुंदर है, लेकिन साइड में क्यों बैठ गई, सामने नहीं बैठ सकती थी? कीर्ति चक्र विजेता है, जबान तो चलती नहीं, गोलियां कैसे चलाते होंगे? सामने बैठती तो ठीक से देख तो लेता, अब ऐसे देखना मुझे सूट भी नहीं करता। क्या मैं आपको पसंद हूं? मुझे मेरा यूनिट पसंद, मेरा देश पसंद। और मैं? तुम तो मेरी अम्मा को पसंद हो। एंजे हो गई ना सारी बातें। और देख मंजू, ये बातें बहुत करता है, तेरे तो कान खा गया होगा। क्यों, तूने कुछ सिली क्वेश्चन तो नहीं पूछे? नहीं अम्मा नहीं। तुझे पसंद तो है ना मंजू? हाँ अम्मा, ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन एक बात है, हंसती बहुत ज्यादा। हंसती है अम्मा? तुम जाओ ना अब। मंजू तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हारा नाम क्या है मंजू? दरचे पे जब तुम खड़ी होगी जानम, नजर हर किसी की पड़ी होगी जानम, हवा ने तुम्हें गुनगुनाया भी होगा, बदन की तरफ चांद आया भी होगा, जुली होगी करवट बजे के बादल, और मैं यहां तुम्हें एक झलक देखने को परेशान, गुमसुम अकेला पशेमा गुमसुम अकेला पशेमा। जमी होगी जब रात की रेत छत पर, बिछा होगा पलकों पे ख्वाबों का बिस्तर,
कौन है? पीछू मैं, काटो। आ जाऊं? आ जा। पीछू, आज आप इतने उखड़े उखड़े और उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? हमारे 20 साथियों को हिंदुस्तानी फौज ने मार दिया है और सैकड़ों पकड़े गए हैं। अब भी कोई बात नहीं? पीछू, इस बात का मुझे भी दुख है। काटो, सच सच बताना, क्या फर्क है हमारे और हिंदुस्तानी फौज के जुनून में? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पीछू, हमारे सीने में भी जंग आजादी की आग भड़क रही है। तो इन मराठों ने हमारे इतने बड़े गिरोह को कैसे पकड़ लिया? उसमें मेरे दो भाई शहीद हुए हैं। मेरा भी एक भाई पकड़ा गया है। मुझे लगता है हम में से कोई विद्रोही है। एक सच्चा नागा गद्दार नहीं हो सकता। ये किसी इन्फॉर्मर का काम है जो यहां की खबर उधर पहुंचा रहा है। कहीं है तुम्हारे इन्फॉर्मर? तो नहीं पीछू, वो हमारा सच्चा साथी है। पीछो, मराठा पॉल्टन कॉल सुबह पॉक्टी से चलेगी। इस वक्त वो लोग खूब जश्न मना रहे अपनी जीत का और हमारी हार का। बहुत सहन कर लिया है हमने। ये नीलकंठ जयचंद्रन नायर के पलटन ने बहुत जुल्म किए हैं हमारे ऊपर। हमारे सैकड़ों साथियों ने सरेंडर कर लिया है इनके कारण। कितने साथियों को मौत के घाट उतारा है इन मराठों ने। आखिरी बार जश्न मनाने दो इनको, फिर देखेंगे। विश्राम, आराम से। आज आप सब लोगों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, और हक है आप लोगों को इस खुशी का। बहुत बढ़िया काम किया हमारी बटालियन ने। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आज के बाद हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। मैं भी अपने घर जाऊंगा, लेकिन मेरा मन है कि जाने से पहले आप लोगों के साथ एक बार मर्द मराठा सुपुर्ती गीत गाऊं। तैयार है? हाँ सर। दुश्मनाला बरे का बरे जिससे दुश्मन भी कांपे, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
वॉचमैन, तू हमेशा मेरे साथ ही चिपका रहता है? क्योंकि साहब, आपका नाम है जयचंद्रन और मेरा नाम है लक्ष्मण। अब राम और लक्ष्मण तो हमेशा साथ साथ ही होते हैं ना। बातें बहुत बनानी सीख गया है। चलो, मेरा भी पलटन के साथ ही आखिरी मिशन था, भगवान ने सफलता दी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। साहब, आप जहाँ भी जाएंगे जीत आप ही की होगी। आपकी भले ही पोस्टिंग हो जाए, लेकिन हम लोग आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। चल, ज्यादा मक्खन मत लगा, बैठ। जी सर। और लक्ष्मण, तेरी फैमिली किधर है? आजकल साहब यहीं पर है। वैसे वो भी मंजू मैम सबको बहुत याद करती हैं। अच्छा, वैसे साहब, आपने अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा है ना? हाँ लक्ष्मण, शिवाजी। लेकिन मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादती की है, कभी उन्हें ठीक से टाइम ही नहीं दे पाया, ना मंजू को ना शिवाजी को। बस अब इस पोस्टिंग के बाद मैं बहुत सारा टाइम उन्हीं लोगों के साथ बिताऊंगा। मेरा बेटा बहुत खुश होगा। एंजेल, सीओ साहब को सिर्फ अपनी पलटन का ही नहीं, अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक भी मराठा बचने ना पाए। Oh.
इंजीनियर से बिना पूछे मौत उसे नहीं छू सकती। इंजीनियर के लिए मौत को इंतजार करना होगा। Come on, engine, come on, move! परेशान है तू, पशेमान भी है, बिछड़ कर किसी से तू हैरान भी है। मगर तेरा दिल कह रहा है कि जिसके लिए शुभन का भी हक है, मगर तुझ पे तेरे वतन का भी हक है। हक तुझ पे वाजिब है मिलके अदा कर, इधर देख उदासी के खैमे से आकर। लोग भी है मिशन पे सब कुछ मम्मी, क्या हमारे घर नहीं आ सकते? बेटे, ये बहुत दूर रहते हैं। कितने दूर रहते हैं? मरणोपरांत इस कीर्ति चक्र अशोक चक्र विजेता की विधवा आज भी अपने बच्चे के उत्तर ढूंढती, उसे एक बेहतर इंसान बनाती आज भी जी रही है और जी रहा है इस मलयाली मराठा का बलिदान।